अयोध्या का मंदिर मस्जिद वाला केस सॉल्व होने के बाद अब हमारे इंडिया के अंदर एक और मंदिर और मस्जिद वाला केस काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो है धार की भोजशाला का। तो आखिर भोजशाला हिंदुओं का एक टेंपल है या मुस्लिम की कमाल मौलाना मस्जिद, और जैन धर्म का भोजशाला से क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में धोखा ब्रदर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है 11th सेंचुरी के आसपास, जब राजा भोज प्रेजेंट डे के मालवा वाले एरिया पर रूल करते थे और उन्होंने धार को अपनी कैपिटल बना रखा था। जिसके बाद परमार वंश के राजा भोज ने धार के अंदर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको आज हम भोजशाला के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण आदि विषयों का बच्चों को अध्ययन कराया जाता था। और इसी बीच राजा भोज ने जैन आचार्य मानतुंग स्वामी को अपने यहाँ पर बुलाया, लेकिन जैन आचार्य ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। और इसी बीच राजा भोज को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने जैन आचार्य को जेल में बंद किया और उनके पूरे शरीर को 48 साकलों से बांध दिया। लेकिन जैन धर्म के आचार्य भगवंतों का अध्ययन, धार्मिक क्रियाएं एवं प्रभाव काफी उच्च स्तरीय होता है। उन्होंने लॉर्ड आदिनाथ को डेडिकेटेड 48 श्लोक वाला एक स्तोत्र, जिसे भक्तामण नाम से जानते हैं, उसका उच्चारण करना स्टार्ट किया और एक एक कर बिना किसी की मदद से उनकी सारी साखले खुलती गई। और इसीलिए जैन समाज इसे अद्भुत एवं चमत्कारिक स्तोत्र भक्तामण की रचयिता स्थली भी मानता है। और जैन धर्म का यही मिराकल देख राजा भोज भी बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने जैन धर्म के 3 तीर्थंकर माता वाग्देवी और माता अंबिका का एक भव्य मंदिर भोजशाला में बनवाया। जिसके बाद लगभग 13th सेंचुरी में एक मुस्लिम शासक कमाल मौलाना आजाद मालवा आए और उन्होंने 36 इयर्स मालवा के अंदर स्पेंड किए और कई सारे हिंदू और जैन टेम्पलों को तोड़कर इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी बीच में भोजशाला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और 1200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट से मना कर दिया था, उनको भी किल कर दिया गया। लेकिन भोजशाला की मेन कंट्रोवर्सीज स्टार्ट होती है 1900s से, जब के लेले कर एक शिक्षक अधीपक धार के अंदर थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे हुए देखे, जिससे उनको विश्वास हो गया कि ये तो वही भोजशाला है जो कि इतिहास के गर्द में कहीं खो गई थी। जिसके बाद 1930s में ओसी गांगुली और राय बहादुर के दीक्षित ने जब ब्रिटिश के म्यूजियम को विजिट किया तो वहाँ पर वाग्देवी माता की मूर्ति थी, जिसके ऊपर धार के बारे में लिखा हुआ था कि ये धार के विशाल मंदिर की ये एक मूर्ति है। जिसके बाद 1952 में हिंदू और आर्य समाज ने मिलकर भोजशाला पर पूर्ण अधिकार का आंदोलन भी किया। फिर 1990s में भी कई बार कंट्रोवर्सीज हुई, जिसके बाद 1995 में एक डिसीजन आया जिसमें हिंदू समाज के भाई बहनों को ट्यूसडे के दिन अपनी पूजा आराधना करने की परमिशन दी गई और मुस्लिम समाज को फ्राइडे के दिन नमाज अदा करने की परमिशन दी गई। लेकिन कंट्रोवर्सीज अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस भी ईयर में फ्राइडे के दिन बसंत पंचमी आती है तो धार के अंदर कुछ न कुछ विवाद हो ही जाते हैं। इवन 2003 में तो कर्फ्यू भी धार के अंदर लगाना पड़ गया था, जिसके बाद 2013 में लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन 2016 में सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया गया। और अभी एक बार फिर से 2026 में फ्राइडे के दिन ही बसंत पंचमी आ रही थी, इसीलिए 2022 में हिंदू फ्रेंड्स फॉर जस्टिस ने कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी जिसमें भोजशाला का सर्वे था। जिसके बाद कोर्ट ने फाइनली 2024 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भोजशाला का सर्वे करने को दिया। और फिर ASI की टीम ने कार्बन डेटिंग, GPR और भी कई टेक्नोलॉजीज का यूज कर भोजशाला के ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट, जो कि 2200 से भी ज्यादा पेजेस की है, वो कोर्ट को 2024 को हैंडओवर कर दिए। और अभी तक जितने भी प्रूफ्स ASI की टीम के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, उससे यही पता चल रहा है कि भोजशाला एक हिंदुओं का ही टेंपल था। बाकी भोजशाला का फाइनल डिसीजन कोर्ट की तरफ से 22nd ऑफ जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर ये एक हिंदू टेंपल था या मुस्लिम की मस्जिद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।